अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोगों को ना 2024 के ड्रेस के आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास ना लॉन का सूट है जो प्रिंटेड था और मुझे समझ नहीं लग रही थी इसको कैसे स्टिच कराऊँ। तो सबसे पहले ना इसको बस एक तो मैंने जल्दी में स्टिच करवाए हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि गर्मियों के सूट कैसे बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने ना इसके लिए वो ये लेस ले ली थी। इसके अलावा मैंने ना ये जो टिशू का कपड़ा होता है वो ये ले लिया था, टिशू या ऑर्गेन्जा जो भी बोलते हैं, तो वो ये मैंने अटैच करा लिया था। तो इसके अलावा मैंने ये पाइपिंग जो मतलब लेस शटर लेस के साथ मतलब मैंने पाइपिंग कराई थी तो वो मैंने ले ली है। तो इसके साथ इसकी फिनिशिंग जो है वो कर ली है। इसके अलावा इसके बाजू पे भी वही हमने काम कराया जो अब मतलब घेरे पे काम हुआ था बॉर्डर पे, तो ये बाजू पे हो गया। तो इसका गला कुछ इस टाइप का रखा है, तो ये छोटे छोटे बटन लगवा लिए थे। इसके अलावा जो शटर लैस थी वो हमने उस पर ऐड करा लिया, तो उसका ये जिग जैग का डिज़ाइन करा लिया। तो बहुत ज़्यादा अब सिलने के बाद स्टिच होने के बाद बहुत ज़्यादा एक अच्छा लुक आ रहा था। तो बैक साइड पे भी इस तरह से ही काम कराया। तो इस तरह से ना एक तो सूट की फिनिशिंग अच्छी हो जाती है या दूसरा इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास मतलब आती है। इसके साथ मुझे ना इसकी जो ट्रोज़र पे ना ऐसे फ्लैपर टाइप की मैंने बनवाना था जो मैंने बनवा लिया, और ये बिल्कुल रेडीमेड टाइप की लग रही थी और बहुत ज़्यादा ही अच्छी मतलब लुक इसकी आ रही थी। इसके अलावा दुपट्टा भी इस ब्लैक कलर में था, तो उसके साथ पहले तो सोचा ये जो मैंने मेहंदी कलर में ये ऐड करा लेती हूँ ये जो है लटकन वाले जो मतलब धागे हैं, लेकिन उसके साथ तब मुझे आइडिया आया है कि अगर मैं उधर मेहंदी कलर में ऐड कराया तो इधर रेड कलर में करा लेती हूँ, तो दुपट्टे पे रेड कलर ही अच्छा लगेगा। तो दुपट्टे पे जैसे मैंने रेड कलर की ये जो मैंने धागे के लगवाए हैं तो इसको ना चार चांद लगे, इतनी खूबसूरत सी लुक इसके साथ पेश आ रही थी ना। ऐसे एक ब्रांडेड सूट जैसे मतलब 15-14 हज़ार का सूट मिलता है, वैसी लुक सिर्फ मैंने कोई 5-6 हज़ार में बना ली थी। इसके अलावा मैंने जिग जैग के साथ ये पीको करा ली थी जो 3 शेड में मैंने उसकी कलर्स रखे थे। तो आप लोगों ने बताना ये सूट कैसा लगा है। तो पहले तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था इसको कैसे करूं। इसके अलावा ये कलर है वाइट एंड मैरून कम्बिनेशन, तो अब इनका दो कंट्रास्ट था ना, अब इसको समझ नहीं लग रही थी इसको किस तरह से बनाया। तो वैसे तो डिज़ाइन वगैरह बहुत सारे थे आइडियाज़, लेकिन ना मैंने सोचा था कि इसको ना एक सिंपल सा लुक दिया जाए, इसकी ट्रोज़र पे ना मतलब थोड़ा सा एक काम किया जाए अच्छा सा। इसके अलावा जो ये जो है इसकी कमीज़ को ना ऐसे सिंपल सा डिसेंट सा जो वाइट कलर है इसको ऐसे रहने दिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस पर ट्रोज़र जो है इसका इस पर ये शटर लैस लगा ली थी, एंड उसके साथ जो टिशू के साथ मैंने वो कट का वर्क करवा लिया था जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके साथ दुपट्टे पे ये ट्रसेस ऐड करा लिए थे, तो दुपट्टा ना इसके साथ मैच कर लिया था, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा इसका लुक हो गया था 3 पीस जैसा। तो मतलब एक अच्छी सी आउटफिटिंग हो और इसके आइडियाज़ अच्छे हो तो आम सा सूट भी बहुत ज़्यादा हैवी और एक्सपेंसिव लगता है। इसके अलावा ये सूट मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो ये मैंने ईद का सूट लिया था जो इसकी भी डिज़ाइनिंग जो मतलब थोड़ी सी यूनिक थी, क्योंकि ये ना बिल्कुल एक सामने का है कि ओल्ड वोमेन वाला डिज़ाइन है, लेकिन इस पर मैंने जो वर्क कराया था इसके साथ मैंने आजकल ना इस टाइप के लेसेज या पैच का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैंने इस पर पैच का इस्तेमाल कर लिया था घेरे पे। गले का डिज़ाइन मैंने ये किया था क्योंकि इस पर मैंने छोटे छोटे वो मोती ऐड कर लिए थे, और इसकी बाजू पर भी मैं ऐसे शटर लैस ऐड कर ली थी थोड़ी सी। तो इसके अलावा इसकी जो मतलब सेंटर लेस वगैरह अटैच जब कर ली तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके गले की फिनिशिंग भी हमने बहुत ज़्यादा एक अच्छे और यूनिक वे में किया था, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि बाजू की लैस के साथ ही बिल्कुल मतलब इसकी प्रिंट के साथ ही सब कुछ मैच हो गया था। इसकी ट्रोज़र मैंने जो कैपरी थी इसको बिल्कुल प्लेन रख ली थी, इसमें कुछ भी नहीं किया, जस्ट प्लेट्स एंड ये जो सेंटर लेस लगवा ली थी। जो मैंने नेक पे वो लगवाया है मतलब
लेस लगवाई है वही मैंने दुपट्टे पे ऐड कर ली थी, जो दुपट्टे थ्री पीस लुक इसका इतनी अच्छा लग रहा था। इसके अलावा जो गर्मियां हो और पीला सूट ना हो, ये हो नहीं सकता, तो येलो सूट के लिए ना मैंने सबसे पहले ये है सफायर का है। तो ये ना थ्री पीस सूट था, तो इसके साथ ना इसको सिलवाने के लिए ना थोड़ा सा आइडियाज चाहिए थे, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो इसके साथ ना ये जो है पाइपिंग है, ये वाली लेस वाली पाइपिंग जो आज का चल रही हुई अटैच कर ली थी। इसके साथ ना पहले तो ये टू पीस सूट था इसका, जो बाद में मैंने इसका कैप्री ऐड कराया था। तो इसके गला देखें, इस पे ना वर्क जो है वो धागे का हमने कढ़ाई का वर्क करा लिया था, तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा यूनिट एंड मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा यूनिक लग रहा था। तो इसकी कैपरी चेक करें तो ये थोड़ा सा जो हमने शर्ट वाला येलो कपड़ा ऐड कर लिया था, इसके साथ हमने छटा लेस ऐड कर ली थी, जो बहुत ज़्यादा ही एक अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गया था। तो एक आम सा सूट हो, अगर आप लोग उसको अच्छी से सिलाई कर लें तो वो सूट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये आइडियाज शेयर कर लूँ, हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे लगें या आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें हों तो आप लोग अपने सिलवा सकें। इसके अलावा ये थ्री पीस सूट था, तो इसको ना सिलवाने के लिए थोड़ा सा जिस तरह से सूट अच्छा है तो उसके साथ हमने स्टिचिंग भी इसकी अच्छी रखनी थी, यूनिक भी हो और अच्छी भी हो, लाजमी नहीं कि उसमें भरी भरी सी हो। तो इसके साथ जो हमने पांचे जो हैं उसके या ट्रोज़र के इसके डिज़ाइन ये रख लिया था। तो बस इसका दुपट्टा हमने प्लेन पीको करा ली थी कट वर्क एंड दूसरी सिंपल पीको में। तो इसके गले पे हमने ना वो लगा लिए थे बटन। तो एक और सूट ये है, ये ना बिल्कुल प्लेन ब्लैक है, तो इसके साथ ना थोड़ा सा एक हमने अच्छी सी मैंने उसको लुक देनी थी। तो उसके लिए ना पता मुझे ना ब्लैक बिल्कुल प्लेन चाहिए था, उसमें कुछ और कलर में कंट्रास्ट नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको सेंटर लेस जो था उसके मतलब साइड्स पे लगवा लिया था। इसके अंदर जो पाइपिंग बिल्कुल ब्लैक ही ऐड करनी थी। तो बस इस तरह से ही ये थ्री पीस सूट जो बन गया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा। इसका दुपट्टा अभी मुझे मिल नहीं रहा था तो अभी इसका दुपट्टा नहीं रखा। तो इतना तक था, अल्लाह हाफिज़।